हेलो दोस्तों, डॉग्स जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 डॉग ब्रीड्स के बारे में जो कि आपको किसी भी खतरे से बचा सकती है। खतरे से यहाँ पे मेरा मतलब ये है, अगर आपका इनकाउंटर होता है जंगली जानवरों से या फिर आप मुश्किल सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंस चुके हो, तो ये डॉग ब्रीड उनसे लड़के आपको प्रोटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। साथ में अगर आपके घर में चोर वोर आते हैं तो उनके ऊपर भी अच्छा खासा डैमेज दे सकती है ये डॉग ब्रीड। इसके चलते ये डॉग ब्रीड हमने सिलेक्ट करी और इसमें कुछ इंडियन डॉग ब्रीड भी है जिसके चलते आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंडियन डॉग ब्रीड की तरफ जाना है या फिर फॉरन डॉग ब्रीड की तरफ जाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली डॉग ब्रीड है वो है रॉटवाइलर डॉग ब्रीड। रॉटवाइलर डॉग ब्रीड को लोग ये भी कहते हैं दीज डॉग्स आर बेटर देन गन। इनका रीज़न ये है कहने का, क्योंकि ये डॉग्स की बाइट फोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और ये डॉग ब्रीड किसी भी दूसरे बंदे को या फिर एनिमल को अगर पकड़ लें तो अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं। जिसके चलते अगर आप रॉटवाइलर डॉग ब्रीड रखते हो तो आप इसे प्रॉपर सोशलाइज कराओ। बाकी अगर बचपन से सोशलाइज रखा जाए तो ये घर में दूसरे पैट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है और साथ में बच्चों के लिए तो हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता ही है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है बुली कुत्ता। बुली कुत्ता जिसे कि हम इंडियन मैस्टिफ भी कहते हैं, ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है और ये इंडियन डॉग ब्रीड है जिसके चलते काफ़ी लोग इस डॉग ब्रीड को पसंद करते हैं। साथ में ये डॉग ब्रीड बाहर के देशों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है टाइम के साथ साथ। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उन लोगों के लिए जिनके पास बड़ा स्पेस होता है, जो कि आराम से रख सकते हैं इस डॉग ब्रीड को, क्योंकि इन डॉग्स को स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप छोटे अपार्टमेंट में इस तरीके की डॉग ब्रीड को रखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम से मेरा मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके डॉग को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा तो ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। बाकी ये डॉग ब्रीड भी अगर आप बच्चों के साथ रखना चाहते हो या फिर आपका फार्म हाउस है वहाँ पर रखना चाहते हो तो आप बेझिझक रख सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गार्डिंग के मामले में, हर चीज़ के मामले में अव्वल दर्जे की डॉग ब्रीड कह सकते हो इसे। अगली जो डॉग ब्रीड है वो जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में हर कोई जानता ही होगा, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। 1% डॉग ब्रीड होती है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव होती है, किसी भी हद तक चली जाती है फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। बच्चों के साथ रखने के लिए भी सोच रहे हो तो भी आप रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोशिश ये करना दूसरे डॉग्स और एनिमल्स के लिए आप अपने डॉग को पहले से ही सोशलाइज कराओ, क्योंकि अगर इन्हें ढंग से सोशलाइज ना करा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। पर्सनली मैं कुछ ऐसे ओनर से भी मिला हूँ जो कि जर्मन शेफर्ड रॉट वाले टाइप के डॉग ब्रीड रख लेते हैं लेकिन उसे सोशलाइज ना करा पाने के चलते जब भी वो बाहर निकलते हैं तो अपने डॉग को प्रॉपर बिल्कुल छोटी लीश से बांध के चलते हैं, जिसके चलते उनका डॉग उनके पास रहे। दो दो बंदे निकलते हैं एक डॉग को संभालने के लिए, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि वो बचपन से उसे सोशलाइज नहीं कर रखा, जिसके चलते उसके अंदर एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जब भी आप कोई भी ब्रीड का डॉग ब्रीड पालो तो सोशलाइजेशन हर एक डॉग के लिए मस्ट होती है। अगली डॉग ब्रीड है काने कोर्सो, जिसे कि लोग इटालियन मैस्टिफ भी कहते हैं। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, ये डॉग ब्रीड की बाइट फोर्स 800 PSI प्लस होती है, जिसके चलते अगर आप इस तरीके की डॉग ब्रीड को रखते हो तो आपको खास ध्यान देने की जरूरत होती है। ये डॉग ब्रीड का एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट होता है, मतलब ना ज़्यादा इन्हें एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम से भी काम चल जाएगा, मतलब मॉडरेट एनर्जी की डॉग ब्रीड होती है। दिन में 2 टाइम वॉक पे ले जाओ काफ़ी है इनके लिए। अपार्टमेंट में रखना चाहते हो तो मीडियम टू लार्ज साइज़ का अपार्टमेंट इनके लिए सुटेबल रहता है, स्मॉल अपार्टमेंट में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं रह पाती है डॉग ब्रीड। सोशलाइजेशन का खास ध्यान देना पड़ता है, इंडिपेंडेंट टाइप की डॉग ब्रीड होती है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि आप इसे प्रॉपर ट्रेनिंग देके चीज़ें समझाओ। अगर नहीं समझा पाओगे तो ये डॉग खुद से भी एक्शन ले लेगा, मतलब कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर अगर इसे लग रहा है खतरा है तो ये खुद से भी एक्शन लेके और उस खतरे की तरफ भाग के हमला भी कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान जरूर देना चाहिए। अगली जो डॉग ब्रीड है वो डोगो अर्जेंटिनो डॉग ब्रीड। डोगो अर्जेंटिनो डॉग ब्रीड के बारे में मोस्टली आप में से हर एक बंदा जानता होगा, अर्जेंटिनो मैस्टिफ भी कहते हैं इस डॉग ब्रीड को, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक हंटिंग डॉग ब्रीड है ये, जिसके चलते काफ़ी लोग इस डॉग ब्रीड को पसंद करते हैं क्योंकि ये एनर्जी लेवल में काफ़ी ज़्यादा होती है, इनके हेल्थ इशू कम देखने को मिलते हैं, जनरली हेल्दी ही रहती है ये, और ये गार्डिंग के मामले में फार्म हाउस वाले लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इसे, क्योंकि बड़े साइज़ की डॉग ब्रीड होने के चलते और साथ में काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक भी होती है, जिसके चलते लोग इसे रख भी लेते हैं और गार्डियन काम भी बखूबी कर लेती है। बच्चों से रखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है पिटबुल। कई लोग कहेंगे भाई पिटबुल तो अपने मालिक के ऊपर हमला कर जाता है, ये कर जाता है। भाई देखो, सीधी बात ये चीज़ आती है कि आप किस तरीके से डॉग को रखते हो। अगर आप अच्छे तरीके से रखोगे, आपने बचपन से उसे बच्चों की तरह पाला है, तो वो कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, ना कि आपके दूसरे पैट्स और आपके बच्चों पे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम सोशलाइज कराओ, उसे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दो, घर में खुलने मिलने दो, बांध के ना रखो ज़्यादा, तो आपका पिटबुल अच्छा ही रहेगा। और मोस्टली लोग जो जिनने भी पिटबुल पाल रखे हैं ना, वो खुद ये चीज़ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका पिटबुल ऐसा है या नहीं है, कि वो बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है, दूसरे डॉग्स के लिए एग्रेसिव नहीं है, तो ये चीज़ वो खुद बता सकते हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से पाल रखा है पिटबुल को। तो आप बेझिझक ले सकते हो पिटबुल, बस आपको एक
अच्छा ओनर होने की जरूरत है, मतलब आप उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम सोशलाइज कराओ, उसका ध्यान रखो ढंग से, और डॉग फाइटिंग इस तरीके के स्पोर्ट्स से उसे दूर रखा जाए और प्रॉपर सोशलाइज करा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है पिटबुल रखने के लिए भी। अगली डॉग ब्रीड है बेल्जियन मेरिनोइज। अगर हम इतने डॉग्स की बात करें तो बेल्जियन मेरिनोइज को तो भूल ही नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड, इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड और काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक डॉग ब्रीड के लिस्ट में भी आती है। मिलिट्री भी इसे पसंद करती है, जिसके चलते मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड रखने की सोच रहे हो तो प्रॉपर रिसर्च कर लेना स्पेस के। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप काने कोर्सो को तो रख सकते हो अपार्टमेंट में, लेकिन दूसरी जो डॉग ब्रीड होगी उनके लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और बेल्जियन मेरिनोइज भी उनमें से एक है। बेल्जियन मेरिनोइज को भी प्रॉपर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप इन्हें कम स्पेस में रखोगे तो ये फेड अप होकर एग्रेशन शो कर सकते हैं, जिसके चलते आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसे प्रॉपर स्पेस दो। और अगर आप फार्म हाउस की गार्डिंग के लिए रख रहे हो तो आपकी फेंसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी कूद फांद के चले जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि बाहर निकल के आपके बेल्जियन मेरिनोइज ने दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड होती है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग का भी ध्यान देना पड़ेगा इन डॉग्स के साथ। अगली डॉग ब्रीड है डोबरमैन। डोबरमैन डॉग ब्रीड के बारे में हर कोई जानता होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड है। जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो चीज़ ही यही थी कि ये कभी भी अपने मालिक का साथ ना छोड़े, उनके साथ चिपक के रहे, और जब टैक्स कलेक्ट करा जाए तो उसे प्रोटेक्ट भी करे। तो जिसके चलते कार्ल डोबरमैन ने डोबरमैन डॉग ब्रीड को ब्रेड किया था। ये डॉग ब्रीड अच्छी डॉग ब्रीड है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से रखते हो, कितना ध्यान देते हो अपने डॉग के ऊपर, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अच्छे तरीके से अपने डॉग का ध्यान रखोगे, उसकी प्रॉपर केयर करोगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए जब भी आप कोई भी ब्रीड का डॉग ब्रीड लो, कि आप उसका प्रॉपर ध्यान दो, प्रॉपर सोशलाइज कराओ, जिसके चलते आपका डॉग अच्छे तरीके से रहे। लेकिन डोबरमैन में आपको बच्चों के लिए सोशलाइजेशन में खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई केस के अंदर डोबरमैन बड़े होने के बाद घर के बच्चों के लिए थोड़े बहुत एग्रेसिव निकल जाते हैं। इस केस के अंदर डोबरमैन की जगह आपके पास रॉटवाइलर एक अच्छी चॉइस साबित हुएगी। अगली डॉग ब्रीड है डच शेफर्ड। डच शेफर्ड डॉग ब्रीड भी सेम बेल्जियन मेरिनो वाला सिनेरियो है, इसके साथ भी ये डॉग भी काफ़ी ज़्यादा हाई ड्राइव की डॉग ब्रीड होती है, इनकी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसके चलते इन्हें प्रॉपर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इन्हें छोटी जगह पर रखोगे तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी जल्दी फेड अप होकर एग्रेशन शो कर सकती है, जिसके चलते इन्हें प्रॉपर बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़ा स्पेस दिया जाए, साथ में इनकी ट्रेनिंग का ध्यान दिया जाए और प्रॉपर सोशलाइज कराया जाए। इन डॉग्स के लिए सोशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, और किसी भी सिचुएशन में ये आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड। लास्ट नॉट लीस्ट जो डॉग ब्रीड, इंडियन डॉग ब्रीड राजा पल्लम डॉग ब्रीड। हर एक बंदे जानता होगा काफ़ी ज़्यादा रॉयल डॉग ब्रीड में से भी एक है ये, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड होती है। किसी भी सिचुएशन में फंस जाओगे ना आप, तो ये आपको जाके बचा आएगी, इतनी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड होती है। लायन तक से भिड़ जाती है ये डॉग ब्रीड, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी रहती है, मतलब ये रॉयल टाइप की डॉग ब्रीड होती है, इंडियन रॉयल डॉग ब्रीड भी कहते हैं कई लोग इसे। ये घर में साफ सफाई भी पसंद करते हैं, इनका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होने के चलते आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप इसे प्रॉपर वॉक पे ले जाओ, इसे प्रॉपर टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कराओ। ट्रेनिंग में भी ये इजीली चीज़ें सीख जाते हैं, जिसके चलते आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा ट्रेनिंग में। बाकी जिनके पास इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में भेजिए, कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी बता सकते हो। अगर आप लोगों ने, एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं जो कि आप मिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।